द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है यानी व्यापक रूप। क्या पढ़ाया गया था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये पढ़ाया गया था। इसको हम लोग को प्रूफ करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ चुके हैं, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ चुके हैं। पूर्ण वर्ग विधि में जो स्टेप था यहाँ पे वही हम अप्लाई किए हैं। द्विघात सूत्र को प्रूफ करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि जो हम लोग सीखे हैं पिछले बार उसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया गया कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था, कोफिशियंट था, उसको यहाँ पे कॉमन लिया गया। तो यहाँ पे कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने से क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। तो देखिए, इसमें ए तो था नहीं, तो जब नहीं रहता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बी बाई ए कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया, सी बाई इक्वल टू जीरो। इसके बाद क्या किया गया, इस ए को उठा के राइट साइड में ले जाएंगे तो जीरो बाई ए कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगले स्टेप में ए यहाँ से यहाँ तक टर्म बच गया और ए ए खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या सिखाया गया था, इसको हम शॉर्ट मेथड से ही अप्लाई कर रहे हैं। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक वन हो चुका है तो हम डायरेक्ट इसमें कम्प्लीट स्क्वायर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स लिख दिए और बताया गया था कि इसका हाफ करके लिखना, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए क्या करना होगा, दो से डिवाइड करना होगा। तो बी वाई कितना आ गया था, टू ए आ गया ना यहाँ पे, एक्स प्लस बी वाई टू ए, यानी ए हमको एक जगह मिल गया और ए क्या चीज की जगह मिल गया, बी की जगह मिल गया। इसका होल स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद बताया गया था कि इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसी का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, बताया गया था शॉर्टकट मेथड में। तो इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए और लास्ट में कितना बचा हुआ था, प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस होल स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो टर्म है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे वही किया गया, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर था, इसको उठा के देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर यहाँ हो गया, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, और इसको ले गए इधर तो माइनस सी बाई ए। यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया, अगले स्टेप में फोर ए स्क्वायर एलसीएम हो गया तो बी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा फोर ए, फोर ए को ऊपर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फोर ए सी। अब इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं, अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस और इधर आएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल आएगा। इसके बाद क्या किया गया, अगला स्टेप में प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हो तो इसको वैसे ही छोड़ दिए, फोर का स्क्वायर रूट टू, चार का वर्गमूल दो और ए स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर ए स्क्वायर है तो ये दो बार है, ए इंटू ए, जब पेयर रहता है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो गया, कितना बच गया, टू ए। फिर फाइनली क्या किया, इसको इधर से इधर लेके आए तो प्लस फाइव इधर आया था, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए से डिवाइडेड हो, कितना हो गया। तो फाइनली इसको हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, यहाँ भी टू ए था यहाँ भी टू ए था तो टू ए को पूरा में एलसीएम ले लिए, कितना बचेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, क्लियर हो गया, किसी को डाउट भी है। इसको जो ए जो एक्स का वैल्यू आया इसको क्या बोला जाता है, द्विघात सूत्र, इसी फॉर्मूला को बोलते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है ना। इसमें देखिए एक टर्म और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं विवेचक या विव्यक्तिकर। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, विवेचक या इसको हिंदी में विव्यक्तिकर भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझो, बी एस यहाँ पे जो रूट अंडर में आया है ना, रूट अंडर में कितना आया, स्क्वायर रूट में कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम मान लेते हैं डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं अभी समझाते हैं, इसको हम एक टर्म मान लेते हैं डी। अब देखो एग्जाम में सिर्फ डी निकालने के लिए भी पूछता है या द्विघात सूत्र से हल करने के लिए भी पूछता है, मतलब दोनों से तुम लोग में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो एक द्विघात समीकरण दे देगा और उसको बोलेगा कि आप द्विघात सूत्र से हल करो, या सिर्फ इतना बोल सकता है
आप उसमें सिर्फ विवेचक निकालिए। अगर आपको बोलेगा विवेचक निकालिए तो आपको सिर्फ ए फॉर्मूला लगा के डी का वैल्यू निकाल देना, और अगर बोलेगा कि हल कीजिए तो हल करने का मतलब क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना। समझ में आ रहा है? इसको देखो विवेचक मतलब होता है कि विवेचना करना, विवेचना करना मतलब उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं एक्स का वैल्यू कैसा होगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दो वैल्यू आएगा एक्स का कि एक ही वैल्यू आएगा, वो तुमको बताएगा ये डी। अगर डी के बारे में हम समझ जाते हैं तो इसमें देखिए हमको समझ में आएगा कि एक्स का दो वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे दो हल होगा, दोनों हल बराबर होगा कि डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये कौन बताएगा, डी बताएगा। अभी हम समझा रहे हैं कैसे बताएगा। ये इस इक्वेशन, ये जो आया सूत्र ना, इसको एक विवेचना करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विवेचक। विवेचक मतलब जो विवेचना करता है, उसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे समझो ये फॉर्मूला बन गया, अगर इसको हम डी मान लिए तो बताइए तो फॉर्मूला कितना बन गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई, इसी को हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। यहाँ याद रखिएगा कि डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम बोलते हैं, ये जो सूत्र है ना इसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए डी का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा सबसे पहले आप लोग बताइए कि अगर मान लिया जाए, यहाँ पे समझिएगा पहला केस ले रहे हैं यहाँ पे, यदि डी जीरो आ जाए, हल्ला नहीं करो आप लोग और यहाँ पे समझो, अगर डी जीरो आ जाए इसका वैल्यू हम कैलकुलेट किए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसे ए बी सी निकालिए और उसे हम क्या चीज का वैल्यू निकाले, डी का वैल्यू निकाले। सपोज दैट डी का वैल्यू जीरो आ जाता, हमको बताओ तो ये पूरा को जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा? जीरो अगर ये आ गया तो जीरो का वर्गमूल तो जीरो। अब कोई भी नंबर में तुम जीरो जोड़ दो या जीरो को घटा दो कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ माइनस बी की जगह माइनस फाइव आया, इसमें प्लस माइनस जीरो करेंगे तभी माइनस से फाइव रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब डी का वैल्यू जीरो आएगा तो एक्स का सिर्फ एक ही मान आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जीरो करने से दो को वैल्यू बनेगा क्या ही? लेकिन अगर यही वन रहता तब दो को वैल्यू बनता कि नहीं बनता? एक बार माइनस फाइव माइनस वन करते और एक बार माइनस फाइव प्लस वन करते तो दो वैल्यू आता। समझ रहे हो बात को? तो जब डी जीरो हो जाएगा एक्स का कितना हल निकलेगा? एक ही हल निकलेगा। या ऐसे सोचो कि एक्स का जो हल निकलेगा दोनों बराबर हो, क्या होगा? दोनों बराबर हल हो। ऐसे देखिए यहाँ पे हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण में घात कितना है, दो है, तो दो है तो इसका कितना हल होना चाहिए, दो हल होना चाहिए। तो हम ऐसा सोचेंगे और एक्स का एक ही मान आ रहा है तो हम ऐसा सोचेंगे कि एक्स का दोनों मान क्या आया, यहाँ पे बराबर आया। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि डी बराबर अगर जीरो हो जाए तो मूल जो होंगे, मूल कहने का मतलब जो एक्स का वैल्यू होंगे वो कितना आएंगे बताओ, मतलब एक्स का मूल बराबर होंगे एवं वास्तविक होंगे, मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। अच्छा वास्तविक कैसे होंगे ये समझाते हैं, मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या होता है ध्यान से समझना, आप लोग रियल नंबर पढ़े हो, वास्तविक संख्या क्या होता है ना कि कोई भी रेशनल या इरेशनल, मतलब परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। आज तुम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन ठीक, देखो तुम लोग में क्या है समझना ध्यान से, वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोला जाता है परमेय और अपरमेय मिला के सभी संख्या को क्या बोलते हैं, तो दोनों को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो तुम लोग हमको एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो वास्तविक नहीं है, आप लोग बताइए तो कोई भी एक एग्जांपल कोई बताओ तो वास्तविक नहीं है, कोई बता सकते हो? इसको हम लोग शुरू चैप्टर 9th में भी पढ़ाए थे वास्तविक
यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या? नहीं पढ़े। अच्छा, तो वहाँ पे हम बताएंगे। अच्छा, कोई बता सकते हो कि कौन सा संख्या वास्तविक नहीं है? बता सकते हो? देखिए ध्यान से समझिए, हम बताते हैं आपको। जितना भी संख्या अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, जैसे मान लो 2 आ रहा है तो वास्तविक होगा, रूट 2 आ रहा है वो भी वास्तविक होगा, क्योंकि वो अपरमेय है, तो अपरमेय भी वास्तविक होता है। देखिए रूट के अंदर अगर कभी निगेटिव आ जाए, बोल रहा था, बोलना नहीं चाहिए जोर से, सुनाई दिया ना। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ जाए बताओ? निगेटिव आ जाए, तो इसको हम वास्तविक संख्या के श्रेणी में नहीं रखते, ये अवास्तविक हो जाता है। रूट माइनस 4 कितना होगा तुम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये अवास्तविक। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये तो माइनस 2 होगा, ये गलत बोल रहा है। देखिए माइनस 2 का वर्ग करने पे प्लस 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना, माइनस 4 नहीं आएगा। जैसे आप 16 का वर्गमूल निकालते हो तो कितना आता है? 4। 4 का वर्ग करने से फिर 16 आ जाता है, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माइनस 4 का वर्गमूल हम माइनस 2 किसी को बताते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनस 2 का वर्ग करने से कितना आ जाएगा? प्लस 4 आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि वास्तविक संख्या अवास्तविक का ऐसे परिभाषा, अगर कोई पूछे तुमसे किसी संख्या का वर्ग करने से अगर ऋणात्मक आ जाए, क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग करने से ऋणात्मक मतलब निगेटिव आ जाए, तो उस संख्या को बोलते हैं अवास्तविक संख्या। क्या हम डिफिनेशन समझा रहे हैं? अवास्तविक का कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग की और कैसा आ जाए? माइनस में आ जाए, जैसे माइनस 4 आ जाए, वर्ग करने से माइनस 4 आ जाए, तो जब यहाँ पे वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल में माइनस 4 आ जाएगा, तो ये संख्या अवास्तविक हो गई। और अभी कुछ देर पहले हम ए वाला एक्सप्लेन किए थे कंप्लीट स्क्वायर में भी, कि अगर कंप्लीट स्क्वायर हम बनाए और अगर निगेटिव आ जाए तो वो एक्स का कैसा हल होगा? वास्तविक हल नहीं होगा, वहां अवास्तविक हल होगा। क्या लिखेंगे वहां पे? अवास्तविक हल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ डी 0 होने से, जैसे मान लिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी था, समझना बात, इसमें मैं एक एग्जांपल लेके तो समझाते हैं तुम लोग को। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, समीकरण लिखा हुआ है। इसको अगर हम हल करें, इसको अगर हम हल करें, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे आ गया 1, बी का वैल्यू माइनस 4 और सी की जगह पे कितना है? सी की जगह 4। यहाँ डी अगर निकालोगे बाबू, यहाँ पे समझो एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं इसका, डी जब 0 आएगा तो क्या होगा? डी अगर यहाँ निकालोगे तो देखो माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 1 इंटू कितना? क्या प्रॉब्लम है, दिख रहे ना? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बताइए कितना हो जाएगा? 16 माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आया? 0 आया क्या? अब देखिए अगर एक्स का हम वैल्यू निकाले इस सूत्र से, तो देखिए यहाँ पे सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा कितना है ना सूत्र? माइनस बी, माइनस बी, बी की जगह कितना है? माइनस 4 प्लस माइनस 0 बटा 2 इंटू ए, ए का वैल्यू कितना था? माइनस माइनस, तो 4 प्लस माइनस 0 मतलब 4 बाई 2, बताओ एक्स का कितना वैल्यू है? 2 एक ही दोनों वैल्यू आया। yes, यानी हम ऐसा समझे कि एक्स का दोनों बराबर हल आया, समझ गए? एक्स का बराबर हल आया यानी मूल बराबर आ गया। मूल बराबर मतलब क्या? अगर मान लिया कि इसका मूल अल्फा और बीटा होता तो दोनों बराबर है, और दोनों कितना के बराबर है? अब बताओ ये जो हल आया ये वास्तविक संख्या है कि अवास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या। अभी बताए कि अवास्तविक क्या होगा? रूट के अंदर में निगेटिव अगर आ जाए तब उसको हम क्या संख्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? तो ए देखिए अगर डी का वैल्यू पहला सिचुएशन में, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी से आता है तो इसको हम लोग हर हाल में याद रखेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस डी, अगर 0 आ गया तब उसको हम लिखेंगे कि मूल वास्तविक एवं बराबर हो। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में देखिए,
अभी हम इसको पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर में यदि डी जीरो से छोटा आ गया, डी निकाले और उसका मान जीरो से छोटा आ गया, जी बताओ जीरो से छोटा मतलब क्या आ गया, निगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, समझ रहे हो। तो अब हमको बताओ कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा। रूट के अंदर में अगर निगेटिव आ जाए तो उसी को तो हम बोलते हैं अवास्तविक। तो यहाँ मूल जो होगा अवास्तविक होगा, कैसा होगा अवास्तविक, एवं बराबर यहाँ पे नहीं आएगा भिन्न होगा, मतलब x का दोनों अलग अलग मान है। अब भिन्न होगा मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे देखो मान लो कि कुछ भी आएगा माइनस टू ही आया, तो एक बार प्लस लेने से भी वैल्यू निकलेगा और एक बार माइनस लेने से भी वैल्यू निकलेगा, यानी कितना वैल्यू निकलेगा, दो अलग अलग मान आएगा, समझ रहे हो बात को। तो अगर d छोटा हो जाए किससे, तो मूल कैसा होगा एवं भिन्न हो, अवास्तविक एवं क्लियर। तीसरा नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, खासकर आपको एक नंबर दो नंबर में पूछते रहता है, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, बताइए जब डी जो है जीरो से क्या हो जाए तब मूल कैसा होगा, वास्तविक वास्तविक होगा और कैसा होगा, तो भिन्न होगा, क्योंकि एक्स का यहाँ पे कितना वैल्यू निकलेगा, दो अलग अलग मान निकलेगा, इसीलिए हम भिन्न लिखे, भिन्न मतलब अलग अलग हो। इतना क्लियर हो गया, चलिए अब इसको आप नोट कीजिए। देखिए फाइनली हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, अगर एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना, तो इसका d अगर निकालने बोले, d को हम बोल रहे हैं विवेचक या विव्यक्तिकर, तो d बराबर फॉर्मूला आ गया b स्क्वायर माइनस, और फिर अगर x का वैल्यू निकालने बोले या मूल निकालने बोले, मूल मतलब इस समीकरण का हल निकालने बोले, यानी x का वैल्यू या जो भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे t दे दे, x की जगह पे t दे दे, y दे दे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई टू, समझ में आ गया। अब इस सूत्र से आपको एक दो क्वेश्चन हम करवाते हैं, चलिए बताइए। तो एग्जाम्पल लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, आपको करना क्या है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको क्या करना है, हल करना है, और इसका विवेचक भी ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस समीकरण का क्या करना है, पहले विवेचक ज्ञात करना है तथा हल ज्ञात करें, मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल ज्ञात करें, क्योंकि एग्जाम में मेंशन कर देता है कि आप इस फॉर्मूला से बनाइए। देखिए तो क्वेश्चन करके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जिससे नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर कितना जीरो, चलिए बताइए। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको a बोलते हैं, तो वन हो गया। b कितना है, माइनस फाइव है ना जी, और c कितना है सिक्स। सबसे पहले आपको d निकालना है, द्विघात सूत्र लगाना भी है, सबसे पहले हम d निकाल लेंगे। d निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस बी का जगह यहाँ पे माइनस फाइव है, माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है इंटू सी, सी की जगह पे कितना है सिक्स, समझ रहे हो सबको। चलिए बताइए माइनस फाइव का स्क्वायर करने से ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, अब माइनस ट्वेंटी फोर कितना आ गया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ए पूछता कि आप इसका मूलों की प्रकृति बताएं, सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में पूछता कि इसका जो हल नहीं करने के लिए पूछता, अगर सिर्फ पूछता कि मूलों की प्रकृति बताएं, तो हम यहाँ पे लिख देते कि चूंकि d का वैल्यू जीरो से बड़ा आया, देखिए अगर सिर्फ मूलों की प्रकृति पूछता यहाँ पे, तो हम लिख देते कि सिंस d इज ग्रेटर देन जीरो, d का वैल्यू जीरो से बड़ा आया कि नहीं आया, धनात्मक आया मतलब जीरो से बड़ा आया, इसीलिए मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे,
लिखवाए ना, अगर डी जीरो से बड़ा आ रहा है तो मोल कैसा होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इतना समझ में आ गया। अब हमको कह रहे कि इसको हल भी करें, मतलब एक्स का मान भी निकाल। तो एक्स का निकालने के लिए फॉर्मूला हम निकालेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई, समझ रहे हो बात को, माइनस बी, बताइए बी की जगह पे कितना है, माइनस फाइव। देखिए पहले माइनस लगा हुआ, बी की जगह भी माइनस फाइव है, प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह वन आया, डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, ए की जगह पे कितना था, माइनस माइनस प्लस फाइव, प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट भी वन, डिवाइडेड बाई टू, समझ रहे हो ना बात को। एक बार प्लस लेके एक्स का वैल्यू लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस लेके लिखेंगे। किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू एक आ जाएगा, फाइव प्लस वन बाई टू मतलब थ्री, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा फाइव माइनस वन बाई टू, कितना आ जाएगा, एक्स का कितना मान आया, तीन और